सो गाइस सब राइडर्स रेडी है, देख सकते हो आप। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजने वाले हैं और हमारा आज का प्लान है राइड पे जाने का। संडे है क्योंकि संडे तो मैं वैसे भी नहीं छोड़ता, सो आज हमारा वैसे ही सडन प्लान बन गया जाने का। और कंडा घाट तक जा रहे हैं हम शायद। और अभी मुझे पहले विकास भैया मिलेंगे टॉलेंड में और फिर उसके बाद शान भैया मिलेंगे मुझे क्रॉसिंग के पास। सो अभी चलते हैं गाइस, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, सो पहले विकास भैया को मिलते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके गाइस, सो गाइस हम टॉलेंड पहुंचने वाले हैं और विकास भैया शायद मेरा वेट यहीं कर रहे हैं। उन्हें वो जो रहे विकास सामने देख सकते हो आप, विकास भैया वेट कर रहे हैं मेरा। इस जगह को टॉलेंड बोलते हैं गाइस। हेलो विकास भैया, अरे 2 मिनट लेट। 2 मिनट कहाँ, 10 मिनट हो गए मेरे यहाँ पे। 10 मिनट हो गए नहीं यार। तो गाइस विकास भैया मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और अब शान भैया ज्वाइन करेंगे। शान भैया हमें मिलेंगे क्रॉसिंग के पास, तो सीधा मैं और विकास भैया क्रॉसिंग जा रहे हैं। तो गाइस क्रॉसिंग भी आने वाला है और शान भैया यहीं मिलेंगे हमें आगे। तो अब शान भैया क्या हुआ, हर बार लेट करता यार, पता क्या जूते का जुगाड़ कर रहा था मैं माँ कसम से। सो गाइस मैं हर बार लेट कराता हूँ। अब हमारी राइड स्टार्ट हो चुकी है गाइस और हमें कंडा घाट में रूपी भी हमें मिलेंगे, तो उनसे भी मिल गया। और शान भैया का रिसेंटली क्रैश हुआ था, मतलब इन्होंने एक न्यू बाइक लिया है उसमें इनका क्रैश हो गया था, पर चलो अब तो ठीक है शान भैया। हम हैं 4 लेन पे पहुंच चुके हैं, ये विकास भैया, ये शान भैया उड़ते हुए। पर इस लेन में एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ धूल बहुत होती है आप देख सकते हो, क्योंकि अभी हाईवे का काम चल रहा है तो मतलब बहुत ज़्यादा धूल होती है। मतलब आप हेलमेट का वाइज़र नहीं उतार सकते, क्योंकि अगर आपने वाइज़र उतार दिया तो समझ लो फिर आपका शक्ल का मतलब आपके आपके ऊपर मतलब मेकअप लगने वाला है, बहुत अच्छे वाला मेकअप। मैं आगे रूपी भैया से मिलना है, तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था। सडनली प्लान बना मतलब शाम को कि हाँ चलते हैं, और मैं तो पता ही है तुम्हारा भाई तो ऑलवेज रेडी रहता है राइड के लिए। तो हम मैं भी आ गया सुबह सुबह और अभी शायद 8 बजे उन्हें शायद 8 साढ़े 8, पर बहुत मज़ा आ रहा है। चलो उनको पकड़ते हैं 4 लेन पे। ओ शिट, 4 लेन ख़त्म हो गया। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं शोरूम और रुपया ने हमें हीरो के शोरूम बुलाया था। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं हीरो के शोरूम और आप देख सकते हो अभी यहाँ से का इवेंट है और एक एक करके बाइक्स इकट्ठी हो रही है। अभी और राइडर्स भी आएंगे, हम KTM वाले हैं, बाकी सारे एक्सपल्स वाले हैं। राइडर्स इकट्ठा हो चुके हैं और आज की राइड बस स्टार्ट होने ही वाली है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का सिनेरियो, ये देख सकते हो आप, सब राइडर्स आ चुके हैं। और वैसे एक्चुअली एक्सपल्स का इवेंट है, बट चलो राइडर्स तो राइडर्स है सारे, बाइक मैटर नहीं करता है। सो लेट्स सी क्या होता है आगे गाइस, चलते हैं। तो गाइस एक एक करके सारी एक्सपल्स जा रही है। फ्लैग ऑन है, राइड ऑन है। गो गाइस आज बहुत मज़ा आने वाला है, सही सीरियसली बहुत मज़ा आने वाला है। राइडर्स देख सकते हो आप कितने सारे हैं।
सोलन की वादियों में आज राइड का इंजॉय ले रहे हैं हम लोग। आज देख सकते हो आप पार्थक राइडर्स ही राइडर्स है। और ये वैसे तो ऑफिशियली हीरो मोटोकॉर्प की राइड थी, पर हमें रूपी भैया ने बुलाया था। रूपी भैया ऑफिशियल है और हीरोज़ के, सो हमें कौन मना करेगा। उन्होंने स्पेशली बुलाया शिमला से कि आप लोग भी आना। बेशक हमारे पास ड्यूक है, बट बाइकर्स तो बाइकर्स है ना यार, मशीन मैटर नहीं करता, राइडिंग मैटर करता है। अभी वैसे टाइम हुआ है शायद 10 बज गए उन्हें, मैंने नोटिस नहीं किया, 10 बज चुके और अब राइड स्टार्ट हुई है। और हम सुबह पहुंच चुके थे, बट हम थोड़ा राइडर्स का वेट कर रहे थे जो नहीं पहुंचे थे, सो अब ऑफिशियली हम चल पड़े हैं। सो लेट्स गो गाइस, मैं तो पहले ही बहुत एक्साइटेड हूँ इस राइड के लिए। तो अभी शायद हम फ्यूल वगैरह भरेंगे कहीं आगे पेट्रोल पंप के पास, और मेरे को और शांत जगह थोड़ी सी ऑयलिंग करवानी है। हम ऑयलिंग करवा देते हैं, राइडर्स को जान देते हैं। सो गाइस अभी हम यहाँ रुके थे, फोटोज खींच रहे थे सारे राइडर्स। क्या नेम है आपका यूट्यूब का? उमेश यादव। वैसे नाम उमेश यादव भी है। आपने भी नहीं कुछ भी GoPro सेफ्टी कैमरा कुछ भी नहीं है ना? कुछ नहीं है, बहुत है। रूपी भैया के पीछे चलते हैं हम। तो गाइस रूपी भैया और बाकी राइडर्स से मिलाता हूँ मैं आपको। विकास भैया, एक और 4V, बाकी राइडर्स कहाँ रह गए? आ रहे हैं गाइस, पीछे से आप देख सकते हो 3 आगे चले गए। एक और वंस मोर। सो गाइस ये क्रू है, 2 राइडर्स और है पीछे। गाइस आई होप आपको भी मजा आ रहा होगा। अभी हम जा रहे हैं कि साधु पुल को, ऑफ रोड है, ट्रेल है, तो साधु पुल जाएंगे हम। मैक्सिमम शिमला वालों ने तो सुना होना है गाइस साधु पुल। सो गाइस अभी हम लंच वगैरह करने रुके हैं यहाँ पे, देख सकते हो आप सारे राइडर्स यहाँ लंच करेंगे, फिर आगे निकलते हैं गाइस। गाइस लंच हो चुका है यहाँ ओवर, और अब चलते हैं आगे की ओर। सो गाइस हमारा लंच हो चुका है, अभी दिखा दूँ बाइक की आवाज़ भैया को, विकास भैया। हम जा रहे हैं साधु पुल वाली साइड, आप देख सकते हो थोड़े राइडर्स आगे हैं, थोड़े पीछे हैं, और बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग है गाइस, बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस, मज़ा फुल ऑन। और रूपी भैया सबसे आगे हैं, बाकी सारे राइडर्स अभी पीछे हैं, एंड हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो भाई। और अभी बस हम पहुँचने वाले हैं कुछ टाइम में साधु पुल। रूपी भैया सबसे आगे हैं, बाकी सारे राइडर्स अभी पीछे हैं, एंड हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे तो भाई। और अभी बस हम पहुंचने वाले हैं कुछ टाइम में साधु पुल। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं साधु पुल, और आप देख सकते हो सारे राइडर्स पहुंच चुके हैं, और थोड़ा सा ऑफिशियल शूटिंग वगैरह होनी है, सो उसका ही वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं। अब कहाँ जा रहे हैं हम?
पीस दे दिया आपने अपने को। हम पहुंच चुके हैं साधुपुल और आप देख सकते हो सारे बाइकर्स लग चुके हैं, सारी बाइक्स। रुपी भी नहीं मानते गाइस। सो गाइस, हीरो की जो राइड थी वो यहीं साधुपुल में ख़त्म हो चुकी है और हम बस अब चार पांच राइडर्स बचे हैं जो हम आगे अब अपनी फन राइड करेंगे। सो गाइस, अब आप देखते रहिए आगे कैसी फन राइड रहती है हमारी। फोन करता है कि चलो आगे आगे। सो गाइस, ऑफ रोड ट्रेल ऑन है। सो गाइज, हम अब सिर्फ पांच बंदे बचे हैं जो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। ऊपर वाला रोड है ये वाला।
गाइस शाम के 6 बज चुके हैं और हम अभी देख सकते हो आप शान भैया की बाइक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। सो हम तभी 1.25 घंटे से तो वेट कर रहे हैं और मेरे GoPro की बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। सो मैं वहाँ से फिर आगे रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया। सो आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। एंड आपसे मिलेंगे सून नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर गाइज़।